हमारे यहां पर दो लोगों को जलाया जाता है। अभी कुछ दिन बाद हम वृंदावन में हम लोग रहेंगे और होलिका को जलाएंगे, होली को, और दशहरा पर रावण को जलाते हैं। पर इन दोनों को जलाने के पहले एक काम करते हैं हम लोग कि उसकी पूजा भी करते हैं, रावण की भी पूजा करते हैं और होली की भी पूजा करते हैं। होली की क्यों पूजा करते हैं? क्योंकि होली भी एक अवतारी नारी है और वो दुनिया को बताती है कि राम नाम के जप करने के वाले ना कोई तंत्र शक्ति उसका कुछ बिगाड़ सकती है, ना मंत्र शक्ति उसको बिगाड़ सकती है, और वो राम नाम की महिमा को उजागर करने के लिए प्रहलाद को गोद में बैठा करके अपने प्राणों का त्याग कर देती है। इसलिए उसकी पूजा होती है, क्योंकि उसने दुनिया को बताया कि राम नाम का महत्व क्या है। और रावण के पास में प्रभु श्री राम जी लक्ष्मण जी को कहते हैं कि यह दुनिया का अद्भुत विद्वान था, मैं चाहता हूं कि रावण के साथ में रावण के ज्ञान का विनाश ना हो, इसलिए तुम रावण के पास जाओ और इसकी कुछ महत्वपूर्ण चीजें जान करके आओ। तो लक्ष्मण जी गए तो रावण ने तुमको देखा भी नहीं, लौट करके आ गए राम जी के पास। राम जी ने कहा रावण से क्या सीखा? कहा सीखे क्या, वो तो इतना अकड़ू है कि उसने तो प्रेम से देखा भी नहीं। तो राम जी ने कहा कि लक्ष्मण जिस समय तुम उपदेश लेने के लिए गए तो तुम खड़े कहाँ थे? कहा मैं आपका भाई हूँ, सिर के पास खड़ा था। कहा नहीं लक्ष्मण, यहाँ तुम गलती कर बैठे हो। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया, जिससे भी ज्ञान लेना होता है उसके नीचे बैठना पड़ता है। दोबारा जाओ, तुमने गलती की है। और लक्ष्मण जी जब जाकर के रावण के चरणों में बैठे तो रावण ने मुस्कुरा करके देखा, कहो सौमित्र कैसे आए हो? कहा भैया ने कहा कि आप दुनिया के सर्वोच्च ज्ञानी हैं, इसलिए आपके ज्ञान की दो चार महत्वपूर्ण पॉइंट नोट करने आया हूं, ताकि आपके साथ में वो आपका जो नॉलेज है, वो ज्ञान है, वो खत्म ना हो जाए। तो रावण मुस्कुराया, कहा कि राम जी के मुखारविंद से चारों वेद निकले, उन्हें कौन पढ़ाएगा? अगर वेदों की बात वो कहते हैं, शास्त्रों की बात कहते हैं, तो कह देना कि वशिष्ठ जी की यूनिवर्सिटी में आपने सभी वेदों और शास्त्रों को पढ़ा है। मैं तो अपने अनुभव की कुछ बातें बता देता हूं, लक्ष्मण नोट कर लो। बोले वही चीजें तो हम जानने आए। कहा तो मेरा अनुभव ये कहता है कि शुभ काम अगर करना हो बे पल माथे की देरी नहीं करे, ओ अशुभ कार्य यदि संभावित टाले जितना वह टाल सके। यदि तुम कोई अशुभ काम करने जा रहे हो तो जितना टाल सकते हो उतना टालो, शायद तुम्हारी बुद्धि सुधर जाए और अशुभ काम करने से बच जाओ, इसलिए उसको कल पर छोड़ो। लेकिन अगर तुम शुभ काम कोई करना चाहते हो, तरक्की का कोई काम करना चाहते हो, तो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में प्रलय होते हैं बहुत करेगो, इसलिए अशुभ काम करना होवे पल मात्र की देरी नहीं करे। तो उन्होंने पूछा कि महाराज कुछ ऐसा लगता है आपकी इन बातों को सुनकर के, शायद आपके जीवन की कुछ तमन्नाएं कुछ काम करने बकाया रह गए। तो रावण ने कहा कि हे सौमित्र, प्रगट पुलस्त पौत्र रावण की प्रतिज्ञा थी, बना के नशैनी एक स्वर्ग को लगावेंगे, खारो नीर सिंधु को सुस्वाद में सुधासो कर हीतल दिवाकर को शीतल बनावेंगे, कहत कवि कमल थे विचारत बिलाए गए, समय के चुकाने पुनि कहा कर पावे में, काम जे जरूरे परमार्थ रंगरूरे हैं, लीजे कर पूरे न तो अधूरे रह जावेंगे। मैंने तीन प्रतिज्ञाएं अपने जीवन में की थी और तीनों में से एक भी प्रतिज्ञा इसलिए पूरी नहीं कर पाया, मैं सोचता रहा था मेरी तो मौत होनी नहीं है, मैं तो अजर अमर हूं, मैं कर ही लूंगा एक दिन। बोले क्या मैं जान सकता हूं आपकी वो तीन कौन सी प्रतिज्ञाएं थी जिनको ना कर पाने का सोच है? कहा प्रगट पुलस्त पौत्र रावण की प्रतिज्ञा थी, बना के नशैनी एक स्वर्ग को लगा देंगे, मैं चाहता था कि जीते जी एक सोने की नशैनी स्वर्ग के लिए लगा दें, जिसके पास में बाहुओं का पुरुषार्थ हो वो सीढ़ी को पार करके स्वर्ग में पहुंच जाए, मैं एक सोने की सीढ़ी बनाना चाहता था, पर मैं नहीं कर पाया क्योंकि सोचता रहा कर लूंगा। और दूसरी जो मेरी प्रतिज्ञा थी कि खारो नीर सिंधु को सुस्वाद में सुधा सुकर,
पृथ्वी से ज्यादा बड़ा समुद्र है, लेकिन इस पूरे समुद्र में खारा पानी भरा हुआ है। मैं चाहता था कि इस समुद्र के खारे पानी को मैं मीठा बना दूं। लक्ष्मण जी ने कहा कि ये काम आप कैसे करते? कहा मेरे पास में बढ़कर के एक से बढ़कर के एक वैज्ञानिक थे। मैं चाहता तो समुद्र को अलग अलग खंडों में बांट देता और फिर सूर्य को गुरुत्वाकर्षण के द्वारा एक एक खंड के पास में बुला करके पानी का शोषण करवाता सूर्य के द्वारा, और फिर बादलों में भरवा करके और फिर उनको पुनः इन गड्ढों में भरवा देता और मीठा पानी बन जाता। ये जो बादल बरसते हैं, समुद्र का पानी तो बरसते हैं, लेकिन बादलों में जाकर के कितना मीठा पानी बरसता है, मैं पूरे समुद्र के पानी को मीठा कर सकता था। और तीसरी जो मेरी प्रतिज्ञा थी कि हीतल दिवाकर को शीतल बनावेंगे, ये सूर्य इतने तपते हैं, मैं अपने गुरुत्वाकर्षण से इन्हें शीतल बना देता। लक्ष्मण जी महाराज ने कहा मन ही मन कि आपकी प्रतिज्ञा ये अधूरी रह जाना ही अच्छी हुई, क्योंकि प्रकृति जैसी है वैसी ही अच्छी है, उसको छेड़खान करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जब लक्ष्मण जी चलने लगे तो रावण ने कहा कि तुम रघुकुल शिरोमणि हो, रघुकुल तिलक हो, क्या आपको इतना भी शिष्टाचार मालूम नहीं कि जब जिससे ज्ञान लिया जाता है तो उससे कुछ दक्षिणा भी दी जाती है? लक्ष्मण जी ने कहा अब अंतिम समय तो मरने को पड़े हो, अब क्या दक्षिणा चाहिए आपको? रावण ने कहा कि लक्ष्मण ध्यान रखो, राघव ने जिस समय पर मैंने समुद्र पर पुल बना था, रामेश्वरम की स्थापना मैंने पुरोहित बनकर के कराई थी, उस समय राम जी से दक्षिणा में मैंने दो वचन लिए थे कि मेरी मौत किसी द्वारा दूसरे के द्वारा ना हो, श्री राम के बाणों से हो, और आज मैं राम के बाणों से परम गति प्राप्त करके जा रहा हूँ। लेकिन एक वचन अभी राम जी का अधूरा रह गया, एक दक्षिणा अभी राम ने नहीं दी। बोले क्या? बोले राम जी ने मुझे वचन दिया था कि जब मेरी मृत्यु होगी तो वे अपना सुहावनी छटा लेकर मुखारविंद को लेकर के मेरे सामने खड़े होंगे, तो उनसे ये कहो कि अब मैं जा रहा हूँ, मेरे सामने आ जाए। राम जी सामने आए। After coming in front of Lord Rama, Ravan asked last very important three questions. तीन प्रश्न उसने पूछे राम जी से। कहा राघव आप मुस्कराते हुए अच्छे लगते हो, आप मुस्कराओ। राम जी ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए मुस्करा देता हूँ। वैसे आपको बताएं कि वाल्मीकि रामायण में रावण को 11 बार धर्मात्मा कहा गया है, और रावण जब मरा है तो राम जी विभीषण के कंधे पर सिर रख करके कहते हैं कि आज धर्मात्मा चला गया। रावण धर्म का अद्भुत जानकार था, आप जानोगे देखोगे तो आपको पता लगेगा। तो रावण ने कहा कि मैं आपसे दो प्रश्न करता हूँ, दो प्रश्नों का उत्तर दे दो। बोले क्या प्रश्न है? कहा पहले तो मैं ये पूछता हूँ कि सबसे बड़ा धनवान में, सबसे बड़ा बलवान में, सबसे बड़ा विद्वान में, सबसे बड़ा नीतिवान में, सबसे बड़ा गुणवान में, मेरे अंदर में जितने गुण थे शायद तुम्हारे अंदर में नहीं होंगे, फिर भी हे राम मैं क्यों हार गया और तुम क्यों जीत गए? आई वॉन्ट टू नो दैट। आप जंगल में रहते हुए जीत गए, आपको मालूम है मेरे पास राम जी के पास में तो केवल एक तुम थे, जिनके लिए राम कहते थे कि जगमोह सखा ने सातर जेते लक्ष्मण हने निमसम होते थे, लेकिन मेरी सेना में लक्ष्मण तुम्हारे जैसे योद्धा कितने थे मालूम है? कुलिश, अकंपन, कुलिशरद, धूमकेतु, अतिकाय और एक एक जग जीत सके ऐसे सुवट निकाय, अकेले अकेले जो युद्ध भूमि में सारे जीताओं सारे योद्धाओं को जीत लें, ऐसे अनगिनत पहलवान थे, फिर भी मैं क्यों हार गया और तुम क्यों जीत गए? राम जी ने कहा इसका उत्तर आप ही दो। तो रावण ने कहा कि हे राम ये बात हम लोगों के लिए शिक्षा की है, ये रामायण के सूत्र हैं, दो सूत्र जो रावण बोल रहा है। रावण कहता है कोई कितना भी धनवान बलवान गुणवान रूपवान नीतिवान हो, लेकिन अगर दो बाण नहीं है तो सब हारा हुआ है। हे राम तुम्हारे पास में दो बाण थे, तुम धर्मवान थे और तुम चरित्रवान थे, इसलिए मैं सम्मान होते हुए भी हार गया और हे राम तुम जीत गए।
तुम कितने भी धनवान बलवान बुद्धिमान नीतिमान बन जाओ, लेकिन अगर तुम धर्मवान नहीं हो, धर्म तुम्हारे जीवन में नहीं है, अगर कितने भी धनवान हो धर्म नहीं है तुम्हारे जीवन में और चरित्र नहीं है जीवन में, तो तुम सब पाकर के हरे हुए हो। सारे बांडों ने कहा बात तो ये सही है। राम जी का दूसरा प्रश्न मेरा आपसे फिर ये है कि आप बताओ कौन जीता कौन हरा। सुग्रीव ने कहा अभी डाउट है क्या कुछ? कहते वो रस्सी को अग्नि में जला दो लेकिन उसकी ऐठन नहीं जाती, कुत्ते की पूंछ को 6 माह बिल में रख दो लेकिन टेढ़ी की टेढ़ी निकलती, मर रहा है धरती पर पड़ा। कहता कौन जीता कौन हरा? सुग्रीव ने कहा, रावण ने कहा, सुग्रीव मैं आपसे नहीं पूछ रहा, राम जी से पूछ रहा हूँ, आप बताइए कौन जीता कौन हरा। राम जी ने कहा वो भी उत्तर आप ही दें तभी ये लोग समझेंगे। तो कहा हे रघुनंदन मैं जीत गया और तुम हार गए। बोले वो कैसे? कहा मैंने प्रतिज्ञा की थी कि अपने जीते जी तुम दोनों भाइयों में एक को भी लंका में कदम नहीं रखने दूंगा और मैं जब तक जिंदा रहा आप दोनों को मेरी लंका में मैंने उतरने नहीं दिया, और मैंने अपने जीते जी जितने भी मेरे अनुचर थे सारे अनुचरों को मैंने आपके धाम में पहुंचा दिया बैकुंठ में, और अंत में डंके की चोट से मैं भी बैकुंठ को जा रहा हूं, अगर रोक सकते हो रोक लो। और तब लोगों ने कहा कि सचमुच में विजय तो रावण की ही हो गई, क्योंकि सभी को भगवान के धाम जय राम जी के द्वारा मारे गए निशाचर सभी परमात्मा की परम गति को प्राप्त करते हैं। बाद में देवताओं ने अलग अलग विभीषण ने उनका अंतिम संस्कार किया रावण का, राज्य तिलक हुआ, देवताओं ने प्रार्थना की कि सूर्य जी मैया आई और पुष्पक विमान पर बैठ करके प्रभु जी अवध के लिए आते हैं। राजीव लो चन राम आज अपने घर आए, राजीव लो